Hello students, if you are watching my video for the first time, consider subscribing. You can listen to the explanation of the lesson pertaining to classes 8, 10, 12th English. And don't forget to press the bell icon so that you can get notification whenever I upload a video. Today, let us learn the poem The Tiger in the Zoo by Leslie Norris from class 10th English. I have divided the poem in two parts. This is the first part. About the author. George Leslie Norris was born in 1921 and died in 2006. उनका जन्म यूनाइटेड किंगडम्स में हुआ था। उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते थे अपनी राइटिंग में। उन्होंने बहुत सारी पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। उनके फेमस वर्क हैं, फाइंडिंग गोल्ड, द लाउड राइटर, रैंसम एक्सेट्रा। इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये पोएम 5 स्टैंजा की है और हर स्टैंजा में 4 लाइंस हैं। लेस्ली नॉरिस द्वारा रचित ये एक प्यारी कविता है। इस कविता में पोएट एक चिड़ियाघर में पाए जाने वाले बाघ की एक जंगल में रहने वाले बाघ से तुलना कर रहे हैं। जंगल में रहने वाला बाघ प्रसन्न और आनंदित है, लेकिन पिंजरे में वह क्रोध और उदासी में है। द पोएम शोज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम। प्यारे बच्चों, अगर आपको याद होगा, बचपन में आपसे कोई गलती हुई हो तो आपकी मम्मी ने शायद आपको बोला हो कि मैं तुम्हें बाथरूम में बंद कर दूंगी। बाथरूम में बंद होने के डर से हम चुपचाप जो वो कहती थी सब कर लेते थे। ऐसा ही शायद कुछ इन जानवरों को फील होता होगा। बिना गलती के उन्हें भी केज में बंद कर दिया जाता है, राइट? तो ये है हमारी पोयम अ टाइगर इन द जू, एक टाइगर की जिसे बिना गलती के केज में, पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। द फर्स्ट स्टैंजा गोज लाइक दिस। ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक का मीनिंग है वॉक विथ प्राइड, गर्व से चलना। विविड का मतलब होता है बहुत चमकदार। स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां। यहाँ पर पोट जो है ही का यूज कर रहा है। ही एक्चुअली में जो हमारे एनिमल्स होते हैं हम उनके लिए इट का यूज करते हैं, बट यहाँ पे पोएट ही का यूज कर रहे हैं। पोएट यह बोलना चाहते हैं कि यह चमकदार धारियों वाला टाइगर गर्व से चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। और वो अपने केज में कुछ ही स्टेप चल पा रहा है क्योंकि उसके पास ज्यादा जगह नहीं है। केज तो छोटा सा होता है, तो वो कुछ ही कदम यहाँ पर चल पा रहा है। ऑन द पैड ऑफ द वेलवेट क्वाइट। मीनिंग देखते हैं यहाँ पे। वेलवेट का मतलब होता है सॉफ्ट सिल्क, मखमली। क्वाइट का मतलब होता है शांत। पैट का मतलब होता है ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पॉ में ये छोटे छोटे, आप ये सर्कल देख सकते हैं राउंड राउंड, ये एक्चुअली में पैड्स होते हैं। पोएट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो टाइगर है इसके जो पॉज हैं ये बिल्कुल वेलवेट की तरह होते हैं, मखमली होते हैं, और जिसके कारण जब वो चलता है तो आवाज नहीं होती और वो आसानी से शिकार कर सकता है। वो बहुत शांति से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट का मतलब होता है शांत और रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। अब पोएट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उसे गुस्सा आता है मगर उसका गुस्सा भी शांत है। अब गुस्सा शांत कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली जब ये बाघ एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और उसे गुस्सा आता है तो वो गुस्सा कर नहीं पाता और वो अपना गुस्से को शांत कर देता है, गुस्से को दबा देता है। ही इज एंग्री बिकॉज ही इज नॉट फ्री। नाउ लेट अस सी द राइमिंग स्कीम। स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज, ए बी सी डी। पर्सोनिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे। ही हिज एंड अगेन हिज इज यूज्ड। हेयर द पोएट इज यूजिंग ही हिज फॉर
फॉर द टाइगर। मेटाफर देखेंगे, ये वेलवेट इज यूज्ड एज अ मेटाफर फॉर द पॉज। यहाँ पर जो इसके पैड्स हैं उनको वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है कि वेलवेट की तरह वो बहुत सॉफ्ट है। ऑक्सीमोरॉन मीन्स द ऑपोजिट एडजेक्टिव्स। इन द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा वी कैन सी द टू वर्ड्स क्वाइट एंड रेज। बोथ आर एडजेक्टिव्स एंड बोथ आर यूज टूगेदर, बोथ आर एक्सट्रीमली ऑपोजिट। इमेजिनरी, हियर द पोएट इज क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ अ टाइगर। वी कैन क्लियरली विजुअलाइज द टाइगर वॉकिंग इन अ विविड स्ट्राइप्स। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। नाउ दिस इज द सेकेंड स्टैंजा एंड इन द सेकेंड स्टैंजा पोएट अब यहाँ पर जो है टाइगर को बता रही है कि उसे जंगल में होना चाहिए। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने ये बोला कि ही वॉज इन द केज और सेकेंड स्टैंजा में वो ये बता रहे हैं कि उसे जंगल में होना चाहिए। लर्किंग, लर्किंग का मीनिंग होता है छुपना, हाइडिंग। शेडो का मतलब होता है छाया। ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, उसे शेडो में छाया में छुपना चाहिए ताकि वो अपना शिकार कर सके और यहाँ बैठ कर अपने शिकार का इंतजार करें। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। अब स्लाइडिंग का मतलब होता है कि वॉकिंग विद एन ईज, आसानी से चलना। लॉन्ग मीन्स लंबी, ग्रास मीन्स घास। यहाँ पर पोएट ये बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासों के बीच में उसे आराम से चलना चाहिए। नियर द वॉटर होल्स, और उसे कहाँ पर होना चाहिए? वॉटर होल्स के पास में, क्योंकि वहां पर उसके शिकार आएंगे और वो उनका शिकार कर सके। वेयर द प्लम्प डियर पास। प्लम्प मीन्स फैट। जहां पर मोटे ताजे डियर पास करे उसे वहां पे उस वॉटर होल में होना चाहिए और उनका इंतजार करना चाहिए। इस तरह से वो अगर पानी पीने के लिए आए तो वो उनका शिकार कर सके। So let us see the enjambment. Here we can see that ki second line is been just after the second line, the third line started without any punctuation mark. Enjambment means that a sentence continue to the another sentence without any punctuation mark. यहाँ पे कोई भी punctuation mark का use नहीं हुआ है, like full stop, comma, whatever. Imaginary. Here the poet is trying to create an image of a tiger who is hiding in the shadow and who is waiting here. So students, that's all for today. Hope you are able to understand the poem properly along with the literary devices that the poet has used in the poem. I will be back soon with my another video, the next part of this poem. Wish you all the very best for your upcoming exams. Thanks for watching.